हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉकिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा एक्सेल में या गूगल शीट में कि हम लोग जो है रेंज को, कॉलम को, रोज़ को, उनको हम लॉक करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे लॉकिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने बिगनर्स के लिए एक सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझना चाहते हैं गूगल शीट का, ठीक है, वो सब जो है आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार अपने चैनल का वो दिखा देता हूँ इंटरफेस और वो प्लेलिस्ट। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा चैनल है। आप यूट्यूब पे आएंगे, राहुल द मेंटोर आप लिखेंगे और यहाँ पर जो है आपको ये चैनल आ जाएगा। और उसके बाद आप प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको प्लेलिस्ट दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, तो गूगल शीट ट्यूटोरियल्स वीडियो ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आज तक जितनी भी वीडियोज़ डाली हैं गूगल शीट से रिलेटेड, वो सभी वीडियोज़ जो है आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और फर्दर जितनी भी वीडियोस मैं गूगल शीट की बनाऊंगा उसके कंप्लीट वीडियोस जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें सारी की सारी वीडियोस जो है इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये कुछ और प्लेलिस्ट है, वी लुकअप एग्जांपल्स, वी लुकअप प्लस एरे फॉर्मूला, उनके कम्बिनेशन को यूज़ करके मैंने इसमें वीडियोज़ डाली हुई हैं। तो ये इनकी प्लेलिस्ट है। और जिस प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था बिगनर्स के लिए, तो दोस्तों ये वाली प्लेलिस्ट है, गूगल शीट बेसिक्स बिगनर्स गाइड। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसके अंदर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपने लेवल के अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है प्लेलिस्ट को जो है रेफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक शीट है, सेपरेट शीट है, एक ऑल अबाउट लॉकिंग जिसका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ डाटा है मेरे पास जिसमें प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, प्राइस लिखा हुआ है और डिस्काउंट के ऊपर परसेंटेज लिखी हुई है और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीज़ करनी है। उससे पहले दोस्तों मैं एक कॉलम और इसके अंदर कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं टोटल डालूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जो डिस्काउंट चाहिए वो टोटल पे चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों टोटल किस तरीके से निकलेगा? टोटल सिंपली दोस्तों ये है आपका क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, वो मेरा टोटल होगा। तो मैं फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो भी मेरे बिगनर्स भाई हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं जो जानते नहीं हैं ज़्यादा गूगल शीट के बारे में या एक्सेल के बारे में, मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक्सेल हो चाहे गूगल शीट हो, हम कोई भी फॉर्मूला जो है गूगल शीट के अंदर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि मेरे को क्वांटिटी और प्राइस जो है मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सीधा सेलेक्ट यहाँ से कर लूँगा। सिंपली मैंने टिक किया B4 सेल पर। B4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? बी कॉलम और फोर्थ रो। ठीक है, तो B4 को मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। आपके कीबोर्ड पर मल्टीप्लाई आपको मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा जूम आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए कर दिया जूम। और यहाँ पर आप जो है C4 को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि C कॉलम जहाँ पर प्राइस है, और ये मैंने मारा एंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है टोटल आ गया। ठीक है, और आप कॉर्नर पे, जैसे ही आप कॉर्नर पे जाएंगे तो ये देखिए मेरा जो कर्सर है वो प्लस में चेंज हो गया है, और अब मैं इसको नीचे माउस के लेफ्ट बटन से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला जो है बाकी सेल्स में भी लग गया। जैसे आप F2 करके देख सकते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्या लगा हुआ है और किस किस सेल को वो रेफर कर रहा है। आप F2 प्रेस कर सकते हैं, फंक्शन की F2। ठीक है, ये देखिए B5 C5। ठीक है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे यहाँ पर देखिए 11th रो है और B11 और C11। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब दोस्तों टोटल का हमें 5% जो है डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कितना भी हो सकता है दोस्तों, 5% 10% आपकी डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 5% डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप फिर से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, तो आप लिखेंगे इक्वल्स टू।
आप टोटल वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप कीबोर्ड से लेफ्ट वाला जो आपका बटन है उससे भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट करेंगे तो ये बाकी की सेल्स में जाता रहेगा, तो आपको जिस भी सेल पर रखना है, अब जैसे आपको टोटल का 5% निकालना है तो टोटल आप जैसे करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने इंटू का साइन लगाया, फिर आपने ऊपर वाली सेल का रेफरेंस दे दिया E3, जहाँ पर आपका डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, E3। तो अब दोस्तों आप मारेंगे यहाँ पर आप इंटर। तो ये देखिए दोस्तों, पहले जो मेरा D4 पे जो वैल्यू लिखी हुई थी उसका 5% जो है निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं टोटल की, जैसे कि D4, D5 में कुछ वैल्यू है, D6 में एक टोटल आया हुआ है, ईयरफोन का टोटल आया हुआ है D7 में, ठीक है, हेडफोन्स का टोटल आया हुआ है D8 में, माइक्रोफोन का टोटल आया हुआ है D9 में, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से सभी आइटम के अगेंस्ट उनका टोटल लिखा हुआ है, तो सभी के डिस्काउंट भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे क्योंकि टोटल सबका डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो टोटल की वैल्यू है वो D4, D5, D6 उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसकी टोटल वैल्यू लिखी हुई है डी कॉलम में, लेकिन जो डिस्काउंट हमें निकालना है वो सभी के लिए सेम निकालना है, ठीक है। तो हम दोस्तों कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं भी दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है E4 में, मैं F2 करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने D4 इंटू में E3 किया हुआ है, तो इसने मेरे को 5% निकाल के दे दिया। दोस्तों 5% क्यों निकाल के दे दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी परसेंटेज में लिखा हुआ है, मैंने ऐसे नहीं लिखा हुआ यहाँ पर 5, अगर मैं यहाँ पर खाली इस तरीके से नहीं लिखा हुआ मैंने 5, ठीक है, ये तो फिर सिंपली एक वैल्यू हो जाती, ठीक है। तो मैंने इसको 5% लिखा हुआ है, यानी कि इसने परसेंटेज में इसको निकाल कर दे दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ड्रैग किया, तो अब मैं F2 करता हूँ, तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, D5 तो ठीक है, मुझे D5 का 5% निकालना है, लेकिन E4 देखिए, अब जो आपकी वैल्यू थी डिस्काउंट वाली वो चेंज हो गई। अब जैसे जैसे आप फॉर्मूले के नीचे आएंगे, आप देखते रहिए, ये देखिए ई वाला जो कॉलम है E10 हो गया, तो यहाँ तो गड़बड़ हो गई दोस्तों, हमने तो सबका 5% निकालना था। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे जैसे मैं फॉर्मूले में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये फॉर्मूला है आपका D4 इंटू में E3, ठीक है। नेक्स्ट रो में मैं आपको दिखाता हूँ D5 इंटू में E4 हो रहा है, तो यहां पर मेरा डिस्काउंट की जो वैल्यू है D4, D5, D6, D7 ये सब तो बढ़नी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ई कॉलम में। ई कॉलम मेरा जो है डिस्काउंट जहां पर मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है E3 में, तो मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी वैल्यूज मेरे डी कॉलम में हैं वो सभी जो है मल्टीप्लाई हों E3 की वैल्यू से, यानी E3 फिक्स होना चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो ऐसे नहीं जाना चाहिए जैसे जैसे ये बढ़ रही है वैल्यू, D4 है तो E4 हो गया, वो D5 अगर वैल्यू हुई है तो वो E5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर E5 हो गया, तो मुझे इस पूरे कॉलम में मेरे को E3 फिक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉकिंग का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है, हमें जो है इस सेल को लॉक करना होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मेरी कॉलम की वैल्यू है मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, या तो मैं लॉकिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा ई से पहले मैं अपना कर्सर रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो लॉक करना है वो E3 को लॉक करना है, ठीक है। तो लॉक करने के लिए आप F4 प्रेस कर सकते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने F4 कीबोर्ड से प्रेस किया तो इसने ई के सामने एक डॉलर लगा दिया और रो से पहले भी एक डॉलर लगा दिया। डॉलर का मतलब होता है दोस्तों, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, और यहाँ पर मैंने मारा इंटर, ठीक है दोस्तों। तो अगर अब मैं फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ, तो अब आप देखिए क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरी वैल्यू बढ़ रही है D5 इंटू में E3, नेक्स्ट सेल पे मैं जाता हूँ D6 इंटू में E3, उससे नेक्स्ट में मैं जाता हूँ D7 इंटू में E3। तो ये देखिए दोस्तों, हर एक सेल में मैं जा रहा हूं, यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा दिखाता हूं, हर एक सेल जो है मेरी D6, D7, D8 ये नीचे नीचे बढ़ती जा रही है वन वन रो, लेकिन जो मेरी डिस्काउंट वाली फील्ड है वो फिक्स है जैसा कि मेरे को चाहिए था, ठीक है।
तो आप इस तरीके से दोस्तों इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको बस डॉलर साइन लगाना होगा अपनी रेंज और कॉलम के आगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो है हर एक सेल का आपने डिस्काउंट निकाल लिया 5%, ठीक है। और ये डिस्काउंट अगर आपका 10% हो जाता है तो आप इसको 10% भी कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने वैल्यू कितनी लिखी है, मैटर करता है कि आपकी जो सेल की रेफरेंसिंग आपने किस तरीके से दी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये चाहे जितना मर्जी आप इसको नीचे तक खींचें, आपने डॉलर अगर लगा दिया है तो वो रेंज आपकी जो है फिक्स है, ठीक है। अब प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये तो सिंपल ही है दोस्तों, आप इक्वल्स टू लगाएंगे। आपका डिस्काउंट टोटल ये है आपका, आप इसको माइनस कर देंगे, डिस्काउंट आपका ये आ गया है 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपका ये फॉर्मूला लग गया, यानी टोटल माइनस डिस्काउंट, और ये आ गया आपका, ठीक है दोस्तों। और अब आप इसको जो है नीचे तक ड्रैग कीजिए, ये आपका जो है हर एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट डिस्काउंट परसेंटेज, उसका डिस्काउंट लिखा हुआ है और एफ कॉलम में उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये तो था छोटा सा कंसेप्ट दोस्तों लॉकिंग के बारे में। अब दोस्तों ऐसा ये तो था एब्सोल्यूट रेफरेंस, तो आपने जो ये फिक्स्ड कर दिया आपने, मतलब कि जैसे आपने E3 किया, ये फिक्स किया है। आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि डिस्काउंट परसेंटेज आप लिख देते और यहाँ पर लिख देते 5% हर एक के अगेंस्ट, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर तो आप बड़े इजीली कर लेते, आप सीधा फॉर्मूला लगाते, इस वाली सेल को आप इंटू करते इस वाले डिस्काउंट के साथ और ये आप इंटर मार देते, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने यहाँ 10 कर रखा है, मैं इसको 5 करता हूँ, तो आप देखिए दोस्तों दोनों ही चीज़ सेम है, ठीक है। तो इसमें होता क्या, अब हर एक सेल के अंदर जैसे देखिए G4, G6, G7, G8, हर एक सेल के अंदर डिस्काउंट की वैल्यू लिखी हुई है। तो बस वो सिंपली जो फॉर्मूला लगा मेरा वो सीधा सीधा लग गया कि D4 इंटू में G4। अब इस फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग करेंगे तो वो हर एक सेल के अंदर लग जाएगा, जैसे कि देखिए D5 इंटू में G5, D6 इंटू में G6, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो है डिस्काउंट निकल कर आ गया। पर दोस्तों इस वाले केस में क्या था कि डिस्काउंट जो है हर एक सेल में नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर केवल एक फिक्स एक सेल के अंदर लिखा हुआ था, इसलिए हमें जो है उस फॉर्मूले में फ्रीज करना पड़ा था उस कॉलम को। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, और ये आपका जो है रिलेटिव रेफरेंस है, ठीक है, सेल से रिलेटेड। मतलब आप D4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं G4 के साथ, उससे वह नेक्स्ट जो आपकी सेल है D5 को आप G5 के साथ, जैसे जैसे रो बढ़ती जा रही है वो चलता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये मेरे पास डाटा है कुछ, ठीक है, सेम डाटा है, टोटल मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरे को 5% डिस्काउंट चाहिए हर एक के लिए, यहाँ पर 10% डिस्काउंट चाहिए, या 15%, या 20% एंड 30 तक आपको जाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा ही आसान है। आप लिखेंगे इक्वल्स टू, आपने लगाया टोटल इनटू में, अब मैंने जो है इस सेल का रेफरेंस दे दिया जहाँ मेरा डिस्काउंट लिखा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक वो मेरा फॉर्मूला ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, तो दोस्तों वही प्रॉब्लम आएगी जो पिछली वाली शीट में आई थी। आपकी जो है ई कॉलम में जो परसेंटेज की वैल्यू है वो आपको फिक्स करनी पड़ेगी, मतलब आपको सेल को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉक कैसे करेंगे दोस्तों, आप वही पहले की तरह या तो आप F4 प्रेस कर दीजिए या फिर आप डॉलर लगा दीजिए, ठीक है, डॉलर ई डॉलर थ्री, यानी कि आपने कॉलम को भी फिक्स कर दिया। ई कॉलम के आगे डॉलर लगा हुआ है तो कॉलम फिक्स हो गया, और थ्री के आगे डॉलर लगा है तो इसका मतलब रो फिक्स हो गई, ठीक है, दोनों फिक्स हो गई। तो अगर अब आप इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आपका जो है 5% का डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों अब मैं F2 प्रेस करूँगा तो ये हो क्या रहा है, जैसे जैसे टोटल वाली सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है वो तो ले रहा है, वो साथ में उसको मल्टीप्लाई कर रहा है E3 से, जो कि फिक्स है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। और दोस्तों सेम अगर मुझे 10% निकालना हो तो वो भी बड़ा आसान है। 10% मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, मैं टोटल करूँगा, मैं इनटू में ऊपर वाली सेल का रेफरेंस दे दूँगा जहाँ पर 10% लिखा हुआ है, और F3 को मैं लॉक कर दूंगा,
जैसा कि अभी हम करते आ रहे हैं, F4 प्रेस कर दूंगा मैं, ये मेरा लॉक हो गया और मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं F2 से, दोस्तों आप F2 प्रेस करके जरूर देख लीजिए दोस्तों कि आपका फॉर्मूला जो है सही आपने लगाया है। ठीक है, ये अच्छी हैबिट होती है, हम अपने फॉर्मूले को एक बार चेक कर लें, 2-4 सेल तक हम उसे चेक करेंगे तो वो अपना हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ सब चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो 15% निकालना है दोस्तों, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ये जो हमने लॉक किया था, एक सिंगल सेल को हमने लॉक किया, ठीक है, पर क्या दोस्तों इसमें एक चीज़ और हो सकती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया अपना E3 और फिर मैं बाकी की ये जितनी भी सेल है यहाँ पर मैं सारा फॉर्मूला राइट में और फिर डाउन में जो है ड्रॉप कर दूं, या ये कह सकते हो आपके फॉर्मूले को जो है कॉपी या पेस्ट करूं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो जो परसेंटेज लिखी हुई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अपने आप कैलकुलेट कर ले, मुझे बार बार सेल का रेफरेंस ना देना पड़े, मैं एक ही सेल में फॉर्मूला लगाऊं। तो अब दोस्तों यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर देखिए E3 ई कॉलम तो मेरा है डिस्काउंट वाला, ठीक है। अब जब मैं यहाँ आऊँगा तो फिर मुझे डिस्काउंट उठाना है F3 से, यहाँ मैं आऊँगा फिर मुझे डिस्काउंट उठाना है G3 से, यहाँ मैं आऊँगा तो मुझे डिस्काउंट उठाना है H3 से। तो इसका मतलब कॉलम तो जो है आपने मूव करते रहना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैंने ई के आगे डॉलर लगाया हुआ है, ये डॉलर दोस्तों मुझे हटाना पड़ेगा, ये इसलिए हटाना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि जब मैं ई कॉलम पर हूँ तो मुझे 5% डिस्काउंट लगाना है, जब मैं एफ कॉलम पर आऊँगा तो मुझे F3 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगाना है जिसमें कि 10% लिखा हुआ है, ठीक है। और जब मैं इधर आऊँगा जी पे तो फिर मेरे को G3 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगाना है। तो मेरे को कॉलम बढ़ते रहने चाहिए मेरे, बट मेरे रो फिक्स है, तो मैंने जो है 3 जो मेरी रो थी वो सभी के लिए फिक्स है। आप देखेंगे यहाँ पर 3 रो में ही सबका डिस्काउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने 3 के आगे डॉलर लगा दिया, वो तो ठीक है, लेकिन कॉलम के आगे से मैंने जो है डॉलर के साइन को हटा दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको ड्रैग करके देखता हूँ, मैं यहाँ से फॉर्मूले को डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी मैं अभी इस फॉर्मूले को डिलीट करता हूँ। अभी भी इस फॉर्मूले एक दिक्कत है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या दिक्कत है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो अगर मैं F2 करता हूँ तो वो F3 को तो रेफ़र कर रहा है जैसा मैं चाह रहा था कि वो हर एक सेल में जाए और उसी सेल के डिस्काउंट को उठाए। अब मैं जैसे G3 में आ रहा हूँ तो वो G3 का डिस्काउंट उठा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, इस वाली सेल में देखिए F4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस वाली सेल में वो E4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। जबकि दोस्तों मल्टीप्लाई होना किससे चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए टोटल से। कहने का मतलब है हमें टोटल का 5% निकालना है, इस सेल में हमें टोटल का 10% निकालना है, इस सेल में हमें टोटल का 15% निकालना है। तो जो टोटल वाली फील्ड है यानी जो कॉलम है डी, वो रहेगा फिक्स, रो तो आपकी बढ़ती रहेगी, D4 जाएगा, D5 जाएगा, D6 जाएगा, D7 जाएगा, मतलब रो वाइज तो वो फॉर्मूला मेरा बढ़ेगा, रो तो फिक्स नहीं है मेरी यहाँ, लेकिन कॉलम फिक्स है, जो डिस्काउंट है वो मेरा डी कॉलम के अंदर ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ क्या करना होगा मेरे को, यहाँ फॉर्मूले में मेरे को अब डी के आगे डोरा लगाना होगा, ठीक है। तो हमने अब जो है कॉलम को लॉक कर दिया है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर आपने ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं A B C D E, मतलब जो भी लेटर होगा जिस भी कॉलम को आप लॉक करेंगे तो वहाँ कॉलम का रेफरेंस दिया होगा, तो अगर आप उस जैसे डी के आगे मैंने लगाया तो यानी मैंने डी कॉलम को लॉक कर दिया है। अब 4 के आगे मैंने लॉक नहीं लगाया, इसका मतलब मेरी रेंज जो है इंक्रीज होती रहेगी, सेल बाय सेल वो बढ़ता जाएगा, यहाँ D4 का फॉर्मूला होगा, नेक्स्ट सेल में वो जाएगा D5, फिर D6, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और यही मेरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ मेरा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए आप इस पर नज़र बना के रखिए, कॉलम डी ये तो फिक्स है लेकिन जो रो का रेफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ 9 था, यहाँ 10 था, यहाँ 11 था, ठीक है। तो यही मुझे चाहिए कि जो सेल में लिखा हुआ है उसी का डिस्काउंट निकाल के दे, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को दोस्तों राइट साइड में ड्रैग कर देता हूँ,
ये देखिए कुछ सेल तक मैं राइट साइड में मैंने ड्रैग किया। अब मैं यहाँ फॉर्मूले को ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों मेरा काम बन गया। अब ये जो है डिस्काउंट निकाल रहा है D4 इंटू में F3 ये कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमने D कॉलम को जो है लॉक कर दिया है। आप किसी भी सेल से आप उसमें F2 करके देखिए, वो हमेशा टोटल वाले कॉलम को ही रेफर करेगा और उसी का ही वो डिस्काउंट निकाल रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए, मैंने कॉलम के आगे लगाया था डॉलर, तो इसका मतलब डी कॉलम जो है मेरा लॉक हो गया। और ऊपर देखिए जो डिस्काउंट में मैंने जी के आगे डॉलर नहीं लगाया, क्योंकि मैं चाहता था मेरा जो डिस्काउंट अगर इस सेल में मैं आऊँ तो E3 से ले वो, और इस सेल में आऊँ तो F3 से ले, इस सेल में मैं आऊँ तो G3 से डिस्काउंट ले। तो डिस्काउंट के जो कॉलम से वो चेंज होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने कॉलम को स्टैटिक ना रखते हुए कॉलम के आगे से डॉलर का साइन हटा दिया। और रो मेरी फिक्स थी क्योंकि ये जितने भी डिस्काउंट थे वो थर्ड रो में लिखे हुए थे, तो मैंने जो है 3 के आगे डॉलर लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी भी डायरेक्शन में, आप एक डायरेक्शन में फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं, या तो आप राइट में कीजिए या डाउन में कीजिए, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को राइट तक ड्रैग कर दिया, ठीक है, और अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं ये D4 का 30%, और ये 30% के अकॉर्डिंग ये डिस्काउंट निकल के आया है, 25% के अकॉर्डिंग ये डिस्काउंट निकल के आया है, 20% के अकॉर्डिंग ये आया है, 5% के अकॉर्डिंग ये आया है। तो एक टेबल बन गई है हमारी कि किस सेल में क्या डिस्काउंट आया है, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, रेंज लॉक, कॉलम लॉक, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम लॉक करते हैं, लॉक का मतलब दोस्तों उसको फिक्स कर देना, ठीक है। आप उस सेल को फिक्स कर रहे हैं और जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको इन दोनों एग्जांपल्स में बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा टोटल डिस्काउंट मुझे निकालना है। टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हर एक 5% के अकॉर्डिंग जो है ये डिस्काउंट आ रहा है हर एक प्रोडक्ट का। अब तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ मेरा, तो टोटल डिस्काउंट के लिए दोस्तों मैं लगाऊंगा सम का फंक्शन। सम का फंक्शन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, आप लिखेंगे इक्वल्स टू सम, और ये इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। और नहीं भी लेता तो आप ऐसे कर सकते थे, आप सम का फॉर्मूला आप लगाते और आप यहाँ से जहाँ से आपकी वैल्यू शुरू है वहाँ से आप सेलेक्ट करते हुए आते नीचे तक जहाँ तक भी आपकी वैल्यूज़ हैं, और ब्रैकेट बंद कर देते, तो ये सभी डिस्काउंट का जो है इसने आपको टोटल दे दिया, ठीक है। ये 5% के अकॉर्डिंग आपका टोटल का जो सम है वो ये बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और 10% के अकॉर्डिंग कैसे बन रहा है दोस्तों, तो अब आप इसको दोस्तों अगर राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, इसने आपका सम जो है F4 का लगा निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसको राइट साइड में ड्रैग कर देता हूँ, तो ये देखिए इसने जो है हर एक सेल का टोटल मुझे बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप सम के फॉर्मूले में आप देख सकते हैं हमने कोई लॉकिंग यूज़ नहीं की हुई है, डाटा जो है आपका ना तो हमने कोई लॉक किया हुआ है, तो ये अपने अकॉर्डिंग उसी कॉलम के वैल्यूज़ को जो है टोटल कर रहा है, ठीक है। अगर हम लॉक लगाते तो वो चीज़ फिक्स हो जाती, यहाँ लॉकिंग की ज़रूरत नहीं थी। अब टोटल आफ्टर डिस्काउंट, तो दोस्तों 5% के अकॉर्डिंग ये मेरा डिस्काउंट आया है टोटल, 10% के अकॉर्डिंग डिस्काउंट का टोटल ये है, 15% के अकॉर्डिंग डिस्काउंट का टोटल ये है। तो ये सभी डिस्काउंट का जो है सम आ गया मेरे पास, ठीक है। तो फाइनल जो टोटल है मेरा वो ये है दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्ट का अगर मैं देखूं तो वो डिस्काउंट ये आया 5% के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इस सब का जो है सम निकाल के मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा जो है नेट वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि टोटल आ जाएगा डिस्काउंट के बाद, कैसे दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा इक्वल्स टू सम, ठीक है, ये मेरा जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सब का टोटल है, इसको मैंने जो है ये मल्टीप्लाई मतलब ये मैंने सम कर दिया और ये मैंने इंटर मारा, तो ये इसका टोटल आ गया दोस्तों, ठीक है। और अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये डिस्काउंट माइनस करना है। तो डिस्काउंट के बाद जो मेरी वैल्यू आई है फाइनल वो ये आई है दोस्तों, ठीक है, 589342। अब दोस्तों अब मैं चाहूँगा इस फॉर्मूले को राइट में ड्रैग करूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि 10% डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक तो ठीक है, क्या है F15 को माइनस करना है ये तो ठीक है, बट जो सम है अब वो जो है E4 से लेके
E11 तक का सम लेने लग गया है, जबकि सम हमेशा इस रो का लिया जाएगा, D4 से लेके D11 तक का। तो अब हम कैसे करेंगे दोस्तों, अब हमें फॉर्मूले के अंदर इसको लॉक करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉलर लगा दूंगा, ठीक है, या फिर आप F4 प्रेस कर सकते हैं सीधा ही, मैंने F4 प्रेस कर दिया, तो जो आपका सम है वो फिक्स हो गया। अब जो है आप इसको ड्रैग कीजिए राइट साइड में, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, हर एक में वो नेक्स्ट कॉलम को भी इंक्लूड कर रहा है। तो अभी करना क्या होगा, यहाँ पर डी के आगे भी हमें डॉलर लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को टोटल हर एक सेल में चाहिए, टोटल माइनस मतलब इसको माइनस करके अलग अलग डिस्काउंट के साथ जो भी हम माइनस करेंगे तो हमारी नेट वैल्यू निकल के आएगी। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको फिक्स कर दिया और ये मैंने फॉर्मूले को राइट साइड में ड्रैग कर दिया, तो ये देखिए डिस्काउंट आ गया मेरा दोस्तों। अगर आप F2 करते हैं तो देखिए D4 से लेकर D11 तक का सम ले रहा है वो हर एक में, और माइनस कर रहा है 10% डिस्काउंट को, ठीक है, यहाँ पर वो माइनस कर रहा है 15% डिस्काउंट का टोटल, यहाँ वो माइनस कर रहा है 20% डिस्काउंट का टोटल, लेकिन जो सम की रेंज है वो फिक्स है, ठीक है, इसलिए हमने जो है डॉलर का यूज़ किया है। तो दोस्तों ये था आपके लिए लॉकिंग के बारे में, मैं आपको लॉकिंग के बारे में बताना चाह रहा था, ठीक है। मैंने अपने बहुत सी वीडियोस में जो है बहुत जगह आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपको जो है रेंज को फिक्स करना होता है, ठीक है, ताकि इस तरीके की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है जब आप रिपोर्टिंग वगैरह बनाते हैं। तो ये आपके लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने लॉकिंग के बारे में आपको बताया था कि आप लॉकिंग किस तरीके से लगाते हैं, कॉलम के बेसिस पे भी और रोज़ के बेसिस पे भी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस केवल इतना ही, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, लॉकिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।